तो जैसा कि आप जानते हैं, स्वर संस्कार जो ये पेज है, स्वर संस्कार पेज पे हमारे श्रद्धेय गुरुजी श्री संजय देवले प्रतिदिन स्वरों का अभ्यास कराते हैं, सुबह 8 बजे लाइव और शाम को 5 बजे वॉच पार्टी के द्वारा। और 100 से 150 लोग प्रतिदिन हमारे साथ बैठ के स्वरों का अभ्यास करते हैं, संगीत का आनंद लेते हैं। देश विदेश से कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे साथ संगीत का अभ्यास करते हैं। और उसके साथ शाम को 8:20 पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी स्वर संस्कार महफिल होती है, जिसमें रोज आपके सामने एक नए कलाकार प्रस्तुति देते हैं, अलग अलग शहरों से, अलग अलग विधाओं के, अलग अलग कला के अलग अलग विधाओं से आपके सामने प्रस्तुति पेश करते हैं। कई सारे संगीतकार हैं, कई सारे साहित्य वाले हैं, शायर हैं, कवि हैं और गायक हैं जो आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज की हमारी स्वर संस्कार महफिल की 18वीं प्रस्तुति में आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाले हैं शांतनु सुदामे। शांतनु सुदामे ग्वालियर से ही हैं, ग्वालियर में पले बड़े हैं और ग्वालियर में ही उन्होंने अपना संगीत का जो है सफर है, जो यात्रा है, वो ग्वालियर में ही प्रारंभ की है। अपने स्कूल के दिनों से, यानी कि लड़कपन से, वो गिटार बजाना सीख रहे हैं। गिटार ने उनको आकर्षित किया और तब से उन्होंने गिटार बजाना शुरू किया, गिटार बजाना सीखना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल में गिटार बजाना शुरू किया, वेस्टर्न क्लासिकल सीखना शुरू किया और कई सालों तक, 8 से 10 करीब सालों तक उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल गिटार जो है बजाया है, सीखा है। ग्वालियर से उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद वो बम्बई आए। बम्बई में श्री रामास्वामी रामचंद्रन जो है उनके गिटार के गुरु हैं, जिन्होंने उनको क्लासिकल गिटार की जो है शिक्षा दी। और उसके बाद उनका सफर यहाँ बॉलीवुड हमारी इंडस्ट्री में, फिल्मों में, टेलीविजन में और एड जो है टीवी कमर्शियल्स उसमें शुरू हुआ, जिसमें वो कंपोजर के तौर पे उन्होंने बहुत साल से, 10 साल से बहुत अच्छा काम किया है। टीवी के कई सारी सीरियल्स में उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है, कई सारे एड्स में उन्होंने म्यूजिक दिया है, कई सारे फिल्मों का उन्होंने बैकग्राउंड स्कोर किया है और उसके साथ कई सारे एड्स उन्होंने गाए भी हैं, टीवी में कई बार गाया है, बहुत खूबसूरत गाते हैं। हाल ही में उनका एक गाना जो है आपने जरूर सुना होगा, पिछले साल फिल्म आई थी एक उरी फिल्म में गाना आया था, मंजर है ये नया, काफी चर्चित गाना है, वो गाना शांतनु सुदामे ने गाया था। तो बहुत ही कमाल के गिटार बजाते हैं, बहुत ही बेहतरीन गिटारिस्ट हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उत्तम जो है सिंगर हैं, उसके साथ ही बहुत ही उच्च कोटि के कंपोजर हैं, संगीत बनाते हैं, वो आपके सामने आज यहाँ पर हाजिर हैं। कुछ कुछ बहुत खूबसूरत, कुछ बहुत ही प्यारे गीत, सुमधुर गीत आपको सुनाएंगे और मुझे मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को उनका उनका ये कार्यक्रम, उनकी ये प्रस्तुति, जो गीत वो सुनाएंगे, वो बेहद पसंद आएंगे, आप बहुत आनंद लेंगे उनका। इसके साथ ही मैं एक छोटी सी बात और आपको आपको बता देना चाहता हूँ कि कल हमारे साथ जो कलाकार होंगे, यानी कि स्वर संस्कार महफिल की 19वीं प्रस्तुति जो देने कलाकार हमारे बीच में आएंगी, उनका उनका नाम है प्रियंका भिसे। प्रियंका भिसे जो है वो अपने अपने पति देव यानी कि स्वप्निल भिसे के साथ यहाँ पर प्रस्तुति देंगी। प्रियंका भिसे शास्त्रीय गायन गाती हैं और कल शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति होगी हमारे बीच में, तो कल भी जुड़े रहिएगा। और इससे पहले कि हम आज की प्रस्तुति शुरू करें, रोज की तरह हुई कुछ छोटी सी आपस की बातें हम कर लें। हम लोग ये लॉकडाउन से जो जूझ रहे हैं, जो इससे लड़ रहे हैं, अपने अपने घरों में बैठे, तो घरों में बैठ के आनंद ले संगीत का, रोज संगीत का अभ्यास करें, रोज जो है लोगों को, नए नए लोगों को जोड़ें और संगीत का आनंद ले, संगीत लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जो संगीत सीखना चाहते हैं, जिन्हें जिन्हें संगीत में, जिन्हें जो संगीत को सुनना चाहते हैं, संगीत का रियाज करना चाहते हैं, संगीत से जुड़ना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों की मदद करें, उन्हें संगीत के साथ यानी स्वर संस्कार पेज के साथ जरूर जोड़ें। उसके अलावा हमारा YouTube चैनल है, YouTube चैनल जो है वो उस पर भी स्वर संस्कार के अब सारी प्रस्तुतियां जो हैं, जितनी स्वर संस्कार के महफिल में कलाकार आते हैं, उन सभी की प्रस्तुतियां आपको YouTube चैनल पर भी देखने को मिलेंगी। वहां पर हमने सारे वीडियोस डालना शुरू कर दिया है, तो स्वर संस्कार के YouTube चैनल पर भी जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी लोगों को जोड़िए, वहां पर भी संगीत का आप आनंद ले सकते हैं। और फेसबुक पेज तो है, रोज हम यहाँ पर लाइव आते हैं सुबह शाम और आप तक और सब लोगों तक संगीत पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस प्रयास में भागीदार बनिए, संगीत का अभ्यास कीजिए, संगीत का आनंद लीजिए, लोगों को जोड़िए, अपने दोस्तों तक ये बात पहुंचाइए, अपने मित्रों तक ये बात पहुंचाइए और आनंद लेते रहिए और हमारे गुरुजी के साथ संगीत का रियाज करते रहिए। तो अब हमारे साथ जुड़ेंगे शांतनु सुदामे बम्बई से और 2 से 3 मिनट के अंतराल पर शांतनु सुदामे हमारे बीच होंगे,
मेरा ये वीडियो समाप्त होगा और उसके बाद शांतनु सुदामे का वीडियो शुरू होगा जिसमें वो लाइव आपके सामने प्रस्तुति देंगे। तो कहीं जाइएगा मत और लोगों को जोड़िए इस वीडियो को वॉच पार्टी के द्वारा, अपने वॉल पे शेयर कीजिए, लोगों को वहां तक पहुंचाइए और संगीत का आनंद दीजिए। बहुत बहुत मजेदार, बहुत बहुत रोचक और मनोरंजक शाम होने वाली है आज, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं इस बात का। तो जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए और आनंद दीजिए संगीत का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ फिल्मी गाने गाऊंगा, कुछ ओल्ड क्लासिक्स गाऊंगा, कोशिश करूंगा कि चॉइस अच्छी हो और इस पेज के डेकोरम को मेंटेन करते हुए कुछ गाने में लेने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप यू ऑल विल लाइक इट। नजर बन गई है दिल की जुबान, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां, मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले सबको छोड़ के, हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों
जाने का। धन्यवाद। अरे साधु भाई भी आ गए हैं आप। नमस्ते नमस्ते धर्मेंद्र चाचा, हाउ यू? हेमंत दादा, अरे बाप, देलो साहब ने वाह कह दिया बस। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और कोशिश करता हूँ कुछ अच्छा गाने की। थैंक यू, थैंक यू वैशाली। नमस्कार किरण आत्या, थैंक यू। इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, एक बार यूं मिली मासूम सी कली, खिलते हुए कहा खुशबाश मैं चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है, देखा तो यही है तो नहीं है, पल ये भी जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहां दास्ता मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। बहुत धन्यवाद, वाह क्या बात है। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये गाने के में एक बात है, हमारे स्कूल में मेरी एक टीचर थी जो मुझे पढ़ाती थी इंग्लिश, दत्त मैम। उन्होंने ये गाना मुझे रिक्वेस्ट किया था
फेसबुक पे, तो मैं उनके लिए गाने वाला था, तो मैं अलग से पोस्ट करने वाला था उनके लिए, तो अगर वो देख रही हैं या वो बाद में देखेंगी तो ये उनके लिए मैंने गाया था। बहुत बहुत धन्यवाद नलिनी जी, धन्यवाद अस्मा जी ऑल्सो हियर, हिम्मत दादा, मोहसिन खान, शंकर भाई, दोनों एक। ओके गुड, थैंक यू थैंक यू। मैं अब आता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये जो गाना मैं गाने वाला हूँ, ये एक एक बार की बात है, देवले साहब मुंबई आए हुए थे और उनके एक शिष्य हैं सनी सनी साधवानी जी, उनके यहाँ पर बैठे हुए थे, तो वहां पर ये गाना मुझे याद है, मैंने गाया था, तो मैंने यूं ही गाने का सोचा है। गाने को मैं आजकल गाता नहीं हूं पर करते हैं। हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, हम क्यों शिकवा करें झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा, शीशे का खिलौना था, शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो ना था, हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, क्या हुआ। कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ, ओ छोड़ो ये ना सोचो, ये क्या हुआ। धन्यवाद, आप लोग इतना प्यार देने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सीरियसली थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। मैं तो नर्वस भी हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी गुणीजन मौजूद हैं, देवराज साहब तो हैं ही और आप सभी लोग उनसे सीखते हैं, मुझसे तो ज्यादा ही जानते हैं। अरे वाह, मेरे बहुत अच्छे मित्र धीरेन्द्र भी यहाँ पर हैं, वो मेरा बहुत बड़ा साथ है बॉम्बे में एज ए म्यूजिशियन। आगे बढ़ते हैं, आप लोग कुछ सुनना चाहेंगे, कोई खास गाना हो जो आपको लगता है कि आप चाहेंगे मैं गाऊं, मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, रुकता नहीं हूं, आप लोग सोच के मुझे बताइए, कुछ हो मुझे आता होगा तो जरूर गा दूंगा मैं। एक और गाना मैंने सोच के रखा था, बताता हूं। थैंक यू वीना। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छूकर
मन को या तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लग प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को या तूने क्या इशारा धन्यवाद संचित मधु जी पल पल दिल के पास हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए हर रात यादों की बारात ले आए मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो धन्यवाद आपका इतनी अच्छी रिक्वेस्ट के लिए भी धन्यवाद एक रिक्वेस्ट है जो मुझे गानी ही पड़ेगी कभी कहाँ कहाँ गई छोटी सी गुड़िया हमारी हाँ जी तो तुम ही आना की रिक्वेस्ट आई है मैं वो जरूर गाऊंगा मैं थोड़ा सा बाद में गाता हूँ उसको क्योंकि वो थोड़ा नया गाना है तो हम नए गाने वाले सेक्शन में उसको ले लेंगे ठीक है तो 20 मिनट होने वाले हैं 10 मिनट और हैं हमारे पास पूरी चिरैया नहीं लेकिन गाना मेरा बड़ा पसंदीदा है सुनाता हूं आपको उसी स्पेस का कभी भी जब लाइव परफॉर्म करता हूं या इन दिनों ज्यादा नहीं करता पर पहले जब किया करता था तो 7 मात्रा जरूर गाता हूं मैं कुछ ना कुछ तो ये एक बहुत पसंद है मुझे गाना मैं सुनाता हूं आपको बावरे से मन की देखो बावरी है बातें से मन की देखो बावरी है बातें बावरी सी धड़कने हैं
बाबरी है सांसे, बाबरा मन देखने चला एक सपना, बाबरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरे से मन की देखो बावरी है बातें, बावरी सी धड़कने हैं, बावरी है सांसे, बावरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बाबरी सी करवटों से निंदिया दूर भागे, बाबरे से नैन चाहे बाबरे झरोखों से, बावरे से नैन चाहे बाबरे झरोखों से, बाबरे नजारों बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरा मन देखने चला एक सपना। आप लोग साथ में गा रहे हैं, अरे वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर क्या, ओके चलिए 10 मिनट हो चुके, मुझे लगता है खत्म करने का वक्त आ गया है। तो एक दो गाने थे जो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं नए गाने नहीं गाता हूँ, तो मैं नए गाने गाता हूँ, वो वाले नहीं जिसपे संचित और धीरेन्द्र लड़ल जो है बातचीत हो रही है यहाँ पर। सुखविंदर सिंह जी का गाया हुआ एक गाना है, वो शाम मैं देता हूँ, थोड़ा सा टाइम का लिमिटेशन होने की वजह से। मर स्लो मोशन अंग्रेज़ा गवाए, सीधे बाहों में भर ले सर सरी क्यों पढ़ाए, मेरी वस्ती है ओ मेरी ठरी है, ओ मैं चढ़ गई ओ मेरी सोनी है, रोकना टोकना ओ मुझको पीने तो रज के, घुल मिल लौंडा घुल मिल घुल मिल gul mil gul mil la da gul mil gul mil da na 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 अरे रात पड़ती जो जाए हाथ क्या क्या टटोले, झूठ बोले जुबां भी धर्म ही मान डोले, हाय रात पड़ती जो जाए हाथ क्या क्या टटोले, झूठ बोले जुबां भी धर्म ही मान डोले, तू जो दरिया में उतरे सारा पानी गुलाबी, दरिया में उतरे सारा पानी गुलाबी, टल्ली टल्ली हो लहरे मछलियां भी शराबी, मेरी बस्ती है ओ मेरी भरनी है, ओ मैनू चढ़गी ओ मेरी सोनी है, रोकना टोकना ओ मुझको पीने तो रज के, बोल 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 वांडे बोल 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 वांडे बोल 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 बोल।
थैंक यू। इंदौर वाले भी सुन रहे हैं, अरे वाह क्या बात है। अभी समय 20 मिनट गाँव जो आ गया देवले साहब, जो आ गया आपकी। चलिए तो और 20 मिनट है अभी, तो अब हम क्या गाएं, क्या जरा बताइए क्या सुनना चाहेंगे। थोड़ा सा कुछ पेपी सुनाऊं या वापस से क्लासिक्स की तरफ जाएं। गुरुजी आप ही बता दीजिए क्या सुन चाहिएगा। धन्यवाद मधु जी, गाना बड़ा एक्चुअली डांस करने लायक है। जी जी बिल्कुल संदीप, मैं उनका हुक्म मान रहा हूँ। मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि गुरुजी एक बार मुझे बताएं कि वो क्या सुनना, किस तरह का मैं गाऊं इधर। जी वो शाम की फरमाइश धीरेन्द्र साहब कर रहे हैं। ठीक है कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। दबी हुई हंसी भी है, दबी हुई सी चाह में, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो, नहीं ख्याल है उसे कि पास आ रही है वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी वो आज भी करीब है, वो शाम कुछ अजीब थी। धन्यवाद 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 धीरेन्द्र साहब। तो अब क्या किया जाए। थैंक यू विजय जी, आपके सितारे बहुत अच्छे चमक रहे हैं। मैं आया हूं तब से। धन्यवाद साधु जी, निकाने की फरमाइश रही है बार बार। अरे वाह बेटा,
थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू देवले साहब। ए अजनबी संचित, चल पहली बार ढंग की फरमाइश तो की आपने कम से कम। चलिए देखो, मुझे पूरा याद नहीं है पर मैं ट्राई करता हूं। ओ पाखी पाखी पर देसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी, पाखी पाखी परदेसी। ऐ अजनबी तू भी करी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से। तू तो नहीं है लेकिन तेरी मुस्कुराहट है, चेहरा नहीं है लेकिन तेरी आहटे है, तू है कहाँ कहाँ है, तेरा निशान कहाँ है, तेरा रहा कहाँ है, मैं अधूरा तू अधूरी जी रही है। ऐ अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ, तू कहीं टुकड़ों में जी रही है। अभी मुझे इतना ही याद आ रहा है, तो आई होप संचित पसंद आया होगा, आप लोगों को ठीक लगा होगा। धन्यवाद साधु साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तुम पुकार लो, मैं अभी कंटिन्यू कर सकता हूं, पर बात यह है कि मुझे उसके लिए जरा परमिशन चाहिए होगी कि मैं गाऊं आगे कि थोड़ा रुका जाए। फिर भी मैं एक गाना शुरू करता हूं। बहुत अच्छा था ब्रो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू नीला जी। थैंक यू संचित। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा, है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहां पे लगी बाजी वहीं पे हारा। हुआ जो कभी राजी तो मिला नहीं काजी, जहां पे लगी बाजी वहीं पे हारा।
कना कारा न जाने किस पे आएगा है अपना दिल तो आवारा न जाने किस पे आएगा। थैंक यू। तो मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि मुझे बाय बाय कहना चाहिए। गाने की रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार, उस गाने से मैं आपको बाय बाय कहता हूँ। यही वो गाना है जो मैंने उरी फिल्म के अंदर गाया था, मंजर। उसके बारे में सब कह रहे थे कि मैं गाऊं उसे। आई होप यू विल लाइक दिस। और कांधे पे सूरज टिका के चला तू, कांधे पे सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां, तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी में कहां, बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े वे धड़क आंधिया, बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधिया, मंजर है नया मंजर नया, मंजर है नया के उड़ रही है बेधड़क सी आंधिया, मंजर है धड़क सी आंधिया, तपते थे बसते तपते थे रसते लोहे के बसते, बस्तों में तू भर चला आसुमां, आएंगी सदियां जाएंगी सदियां रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान, बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े वे धड़क आंधिया, बहता चला तू उड़ता चला तू जैसे उड़े आंधिया, मंजर है नया मंजर नया, धड़क सी आंधियां। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, और खासकर संजय देवले सर का जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मुझे सम्मान दिया कि मैं उनके स्पेज पर आकर गाऊं। आनंद का जो इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा हिस्सा है, मेरे जीवन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है बतौर दोस्त बतौर भाई। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ गाना रह गया हो, कुछ छूट गया हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। दोबारा जरूर गाऊंगा। वंस आई विल गो थ्रू द कमेंट्स अगेन। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, घर के अंदर रहिए, आराम कीजिए, गाइए बजाइए, मस्ती कीजिए, बाहर मत निकलिए बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।